हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे आने वाले टॉपिक के लिए। जैसे आप टॉस पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कहते हैं, तो उसमें इस चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोगों को बार बार क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिन टॉपिकों को आज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको पहले से सॉल्व करा चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में, ठीक है ना। वहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ पर दिखाया था ये सारी चीज़ें, एकदम कराया था। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू जीरो कब होती है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 कब होती है, किस मटेरियल की कितनी होती है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की जो रेंज होती है पॉइजन रेशियो का वो किस रेंज में होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि स्टील डक्टाइल मटेरियल का क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए ब्रिटल मटेरियल कॉन्क्रीट का क्या होता है, ठीक है ना। या आपसे सिंपल सा पूछा सकता है पॉइजन रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या देखे थे हमने, इलास्टिक कॉन्स्टेंट देखे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। और वहाँ पे जो स्ट्रेंथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि जो भी हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ते हैं ई जी और के, ये सभी जो वैलिड होते हैं ये अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होते हैं। अगर स्ट्रेंथ आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग माइल्ड स्टील का ही ग्राफ मतलब कर्व को क्यों स्टडी करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ये नॉर्मली क्वेश्चन होता है, किसी भी स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, आप किसी और का क्यों नहीं करते हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहले कि सर स्टील इज़ ए डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल तो बहुत सारे हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम इज आल्सो ए डक्टाइल मटेरियल, यस और नो, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल तो हैं, बट जो स्टील है, स्टील में भी माइल्ड स्टील जिसे हम लोग Fe250 या फिर स्ट्रक्चरल स्टील के नाम से जानते हैं, उसमें ही हमारे पास क्या होता है, यील्ड पॉइंट डिफाइंड होता है। ओनली यही एक ऐसा कर्व है जिसमें यील्ड पॉइंट डिफाइंड होता है, बाकी किसी भी कर्व में यील्ड पॉइंट डिसाइड ना होने के कारण हम औरों को क्या नहीं करते, एनालाइज नहीं करते हैं। सिर्फ इसी में हम लोग देखते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, अपर यील्ड पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, और फ्रैक्चर पॉइंट क्या है, मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट क्या है, इन सारे पॉइंट्सों को हम लोग इसी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स, रिलेशन देखा था ई जी एंड के में, एक रिलेशन होता है हमारे पास, यस और नो, हमारे पास क्या था रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ई जी के एंड म्यू में हमने 4 रिलेशंस देखे थे, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन सभी स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए, जेई का बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है। और जिस भी जगह पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि आप डिप्लोमा का पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे 20 क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन इसका रहना स्वाभाविक सी बात है कि इनमें एक रिलेशन पूछा ही जाता है। फिर हमने देखा था होमोजेनियस मटेरियल क्या है, आइसोटॉपिक मटेरियल क्या है, एन आइसोटॉपिक मटेरियल क्या है, ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टीज़ को शो करता है वो कौन सा मटेरियल है, सारे चीज़ों को हमने समझने की क्या की थी, कोशिश की थी। आज जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जैसे लास्ट टाइम मेरे को एक स्टूडेंट्स का कॉल था कि सर हमको ये नहीं पता है कि हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन जो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन है हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वाई हमको कहाँ ज़रूरत है इसकी, और जैसे कि सिलेबस में भी नहीं दे रखा होता है काफ़ी बारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर की ज़रूरत क्या है। आप खुद से सोचिए कि हमको पता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस, स्ट्रेस इज़ द लोड बाय एरिया, हमको पता है स्ट्रेन, ठीक है, और स्ट्रेन के बारे में ये भी पता है कि स्ट्रेन इज़ ए मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड स्ट्रेस इज़ ए डिपेंडेंट क्वांटिटी। बट माइंड में आपके में चल रहा है कि सर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल प्लेन, व्हाट इज़ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, व्हाट इज़ द माइनर प्रिंसिपल प्लेन, व्हाट इज़ द टेंजेंशियल स्ट्रेस, और हम लोग किसी भी प्लेन पे क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये पॉइंट समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा रोल है वो कहाँ पर है। वो हमारे पास एक तो फेलियर थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, आप सभी ने सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, कौन सा पढ़ा आपने, सीयर
strength of the soil, shear strength of the soil. ये हर स्टूडेंट्स पढ़ता है इस टॉपिक को, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल. आप सभी को पता होना चाहिए जो सॉइल होता है ये जो फेल करता है, ये दो केसेस में फेल करता है, या तो शेयर के केस में फेल करेगा. पहला केस क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, शेयर के केस में फेल होगा, या फिर दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास सेटलमेंट. ठीक है, सॉइल जो फेल करेगा वो हमारे पास दो ही केस में फेल करता है, इन केस ऑफ शेयर एंड इन केस ऑफ सेटलमेंट. तो स्टेट हमारे को ध्यान देना है, शेयर का मतलब क्या है ध्यान से देखिए कि जो सॉइल सैंपल है ना इसका अपना क्या होता है कि स्ट्रेंथ होता है, सॉइल का जो स्ट्रेंथ है. ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, देन फिर आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, तो आप सभी ने पढ़ा होगा इसे डिनोटेट करते हैं हम लोग एस से, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार टेन क्या होता है फाइव होता है. ओके, दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय डॉक्टर तरजागी. ओके, डॉक्टर तरजागी के बारे में आप समझ रहे होंगे, फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स. एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार टेन फाइव. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर फिर यूज़ क्या हो रहा है. यस, ये हमारे पास जो सी एंड फाई है, सी एंड फाई आर द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, और जो हम लोग ये फाइंड करते हैं ये हम लोग किसके हेल्प से फाइंड करते हैं, हम लोग मोहर सर्कल के हेल्प से फाइंड करते हैं. किसके हेल्प से फाइंड करते हैं, मोहर सर्कल के हेल्प से फाइंड करते हैं, और मोहर सर्कल जो ड्रॉ करते हैं वो बाय हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल, ये जो हमारे पास स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एंड जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं मोर सर्कल को ड्रॉ कर पाते हैं. क्लियर हो गए पॉइंट. जैसे आपने देखा होगा कहीं, जब आपने सॉइल मेकिंग सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है तो आपने देखा होगा इस तरीके का, हम लोग कोई भी एक डायग्राम देखते हैं. ठीक है, जैसे हमने क्या देखा, एक डायग्राम देखा लाइक इस तरीके का, आपने डायग्राम देखा होगा. ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कोई भी क्या बन रहा है, फेलियर प्लेन बन रहा है. ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट है दिस इज़ द सी एंड दिस वन इज़ द फाई. ओके, दिस वन इज़ द फाई. तो ये जो फेलियर प्लेन बन रहा है, जो हम लोग यहाँ पे सी एंड फाई का जो स्टडी कर पाते हैं बाय हेल्प ऑफ द सिग्मा एंड टाओ की हेल्प से. ठीक है, आप सभी को पता होगा जो एट एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या किसको ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं. यहाँ पे क्या होता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, और जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है शियर स्ट्रेस होता है. क्या होता है हमारे पास स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेस. यस और नो, एट एक्स एक्सिस पे क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एट वाई एक्सिस पे क्या होता है शियर स्ट्रेस. ओके, अब आपको सी एंड फाई का वैल्यू हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे बता देंगे. बट अभी भी आपके माइंड में एक डाउट अभी भी चल रहा है कि सर थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कीजिए. देखिए जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी एक ब्लॉक है, समझने की कोशिश करिए जो आप जनरली स्टडी करते हैं. जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी एक ये ब्लॉक है लाइक दिस. ठीक है, ध्यान देखते चलिए प्लीज. इस तरीके का एक ब्लॉक है और आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके का होगा हमारे पास कोई भी ब्लॉक है, इस तरीके का ब्लॉक है. अब आप देखते हैं कि भाई इस प्लेन पे जो ये प्लेन है इसके क्या है, ये हमने इस तरीके से बना रखा है क्योंकि हम लोग 3D डायग्राम बना रहे हैं. अगर मैं इसको शो नहीं करूँगा तो 2D डायग्राम बनेगा. मतलब जो ये स्ट्रेस लग रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास क्या है जैसे स्मॉल पी. ठीक है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है. ठीक है, दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग एट द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. एंड एक हमारे पास इस प्लेन के आ जाएगा इस तरीके से, जैसे ठीक है एक सेकेंड, ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो आपको पता है ये ब्लॉक कहाँ चला जाएगा, इस पैनल से बाहर आ जाएगा, इसलिए हमको इसको सही करना पड़ेगा. ये जो एरोज हैं इसके डायरेक्शन को इस तरीके से करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये मतलब क्या हो रहा है, पुल हो रहा है. पुल होगा या फिर क्या होगा स्ट्रेंथ कंप्रेशन होगा, या तो पुल होगा या फिर क्या होगा कंप्रेशन होगा, दोनों में से कोई एक होगा. इसे हम लोग बोलते हैं यूनी एक्सियल. ठीक है, यूनी एक्सियल क्या कर रहा है, स्ट्रेस एक्ट कर रहा है. अब इसी में अगर मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक कट करता हूँ सेम इसी में, जैसे अगर मैंने इस तरीके से ब्लॉक को कट किया लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्लॉक कट किया, तो आप बता सकते हैं कि ये वाला जो प्लेन होगा पैरेलल टू दिस प्लेन, तो इस पे भी आने वाला स्ट्रेस कितना होगा. आप बता देंगे सर
इस पे भी कितना हमारे पास स्मॉल पी कहिए या फिर सिग्मा कहिए। अगर यही हमारे पास टिल्ट हो जाए लाइक दिस, अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से अगर हमने टिल्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से अगर हमने टिल्ट कर दिया इसको, ठीक है, इसको इसी में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसी में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से एक बार, जैसे हमने इस तरीके का बना दिया लाइक दिस। अब आप बताइए कि इस पर क्या स्ट्रेस लग रहा है, अब आप तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो अब ये प्लेन है, ये इस प्लेन के क्या नहीं है, परपेंडिकुलर, मतलब क्या नहीं है, पैरेलल प्लेन नहीं है। पहले क्या था, पैरेलल था, तो आपने इजीली बता लिया, मतलब पहले हमने इस तरीके से कट किया कि वो सिंपल इसी डायरेक्शन में फॉलो कर रहा था, परंतु अभी क्या है, किसी ना किसी एंगल पे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, यस और नो, जैसे ये वाला एंगल हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इसका सॉयल से क्या रिलेशन है, आप ध्यान से सुनिए, आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राई एक्सेल शियर टेस्ट, ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, वेन शियर टेस्ट। आप खुद को पता होगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि वट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डायरेक्ट शियर टेस्ट, मैं आपसे ड्रॉबैक पूछ रहा हूँ कि जो आप डायरेक्ट शियर टेस्ट करते हैं उसका ड्रॉबैक क्या है, तो आप कहेंगे कि सर उसका सिंपल सा एक ड्रॉबैक है तो बहुत सारे ड्रॉबैक, बट जो मेरे लिए अभी काम का है वो है कि सर उसमें जो फेलियर प्लेन है वो प्री डिटरमाइंड है, और वो भी कैसा है, हॉरिजेंटल, बट जनरली जब आप देखेंगे तो वो कैसा बनता है, वो इंक्लाइंड होता है, ठीक है, इंक्लाइंड बनेगा, तो उस इंक्लाइंड पे कितना सीयर स्ट्रेस लग रहा है, कितना नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जब तक आप इसको पता नहीं करेंगे तब तक आप अपने सॉइल को सीयर स्ट्रेन से फेल होने से नहीं बचा सकते। रीज़न ये कि जो सॉइल की कैपेसिटी है, जो सॉइल की स्ट्रेंथ है, आने वाला जो स्ट्रेस है वो उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, आपने काफ़ी बार सुना होगा लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं क्या वो कभी पैरेलल ही होते हैं क्या, नहीं तो वो हमारे पास किस तरीके से होते हैं, इस तरीके का क्या बनाता है, फेलियर प्लेन बनाता है, यस और नो। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या बहुत सारा सॉइल है, इस तरीके से ये सॉइल है पूरा, ठीक है, कोई पहाड़ी है टाइप में इस तरीके से, तो एक फेलियर प्लेन क्या होता है, इस तरीके से फेलियर प्लेन मींस इसके ऊपर वाला सॉइल पूरा रोड पे आकर के गिरेगा। कहने का मतलब हुआ कि इस प्लेन के अलोंग जो सॉइल का स्ट्रेंथ है, क्या सीयर स्ट्रेंथ, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस, ये क्या हो गया है, लेस देन हो गया है, किस से, टाओ से, टाओ इज द सीयर स्ट्रेस। क्लियर हो गया पॉइंट, सीयर स्ट्रेस मतलब जब इस वाले प्लेन की स्ट्रेंथ इस सीयर स्ट्रेस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो अब हमारे को पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे कितना सीयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, उसी को ही हम लोग इस चैप्टर की हेल्प से क्या करते हैं, स्टडी करते, ठीक है ना, उसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यूनि एक्सियल, बाई एक्सियल, बाई एक्सियल प्लस क्या होता है हमारे पास, वहाँ पे नॉर्मल एंड सीयर स्ट्रेस को स्टडी करते हैं, देन हम लोग यहाँ पे मोर सर्कल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि भाई मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा बेसिक था कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा क्यों जाता है, जब तक आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी स्टूडेंट्स की, कैसे कहाँ पे क्या इसका यूज होता है। तो सीयर स्ट्रेंथ को समझने से पहले हमारे को इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज आप फॉर्मूलेज याद कर लेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, परंतु एक क्लियरिटी आपको नहीं आएगी, ठीक है ना, ठीक, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इन ए स्टेट ऑफ यूनिएक्सियल स्ट्रेस। अच्छा एक पॉइंट और रह गया मेरे को, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं कहीं पर आपने देखा होगा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेसेस या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। देखिए अगर ब्लॉक हमारे पास सिंपल सा ब्लॉक क्या इसी तरीके का है, ठीक है, अगर ये प्लेन है तो ये लाइन है, इसके लाइन पैरेलल, ये लाइन हो गया, ये प्लेन इसके अगर प्लेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब किसी एंगल पे पूछा जाएगा तब आपको बताना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेस का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हमको क्या करना पड़ेगा स्ट्रेंथ समझना पड़ता है, ठीक है। तो
तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से चीज़ों को समझा है पढ़ते टाइम पे। अगर आपने नहीं समझा है तो समझना चाहिए ना आपको सारी चीज़ें, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लीजिए, फिर देन मैं आपको बताता हूँ। इन ए स्टेट ऑफ यूनिएक्सियल स्ट्रेस द एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज। क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो जो जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सिंपल सा देख लेते हैं हम लोग कितने डिग्री पे बनाएगा। तो सिंपल सा देखिए सबसे स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इसका ना एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, देन आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको सारा टॉपिक क्लियर करा दूंगा। एक बार इसका छोटा सा डेरिवेशन है, क्योंकि टॉपिक तो समझ में आ जाएगा परंतु अगर आप डेरिवेशन समझ लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार, ओके इस तरीके का स्ट्रेस। अब इस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस लगा दे रहे हैं। स्ट्रेस है हमारे पास जैसे कि स्ट्रेस हो गया हमारे पास जैसे कि P हो गया, ठीक है। और ये एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास इसके इसमें हो जाएगा, ये हम लोग इसको क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं खींच रहे हैं स्ट्रेस। इसका जो हमारे पास क्या है, जैसे ये हो गया हाइट, हाइट इसका क्या है हमारे पास स्मॉल a इज द हाइट, एंड व्हाट इज द थिकनेस, थिकनेस इज द टी इसका हमारे पास क्या स्ट्रेंथ कोई भी थिकनेस है। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं एक फेलियर प्लेन देख रहे हैं, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं एक फेलियर प्लेन, और वो फेलियर प्लेन किस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से इसका फेलियर प्लेन बन रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश करना, वो फेलियर प्लेन कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक फेलियर प्लेन बन रहा है, मीन्स यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास इस एक्सिस के साथ में, ये हमारे पास क्या है कोई भी एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या स्ट्रेंस थीटा है। अगर मैं इसका, ये तो है 3D, अगर मैं इसका 2D व्यू बनाऊँ तो 2D कैसे बनेगा देखना ध्यान से। 2D तो सिंपल सा बन जाएगा, सिंपल सा क्या, हमने स्ट्रेट लाइन क्या कर देनी है ड्रॉ कर देनी है। तो इसका सिंपल सा बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है। ये हमारे पास बन गया स्ट्रेंस 2D, और इसमें जो फेलियर प्लेन बन रहा है हमारे पास वो कैसे बन रहा है, कुछ इस तरीके का बन रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक। इसमें जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला वो एंगल आ गया थीटा। यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है ये हमारे पास हो गया स्मॉल p या p, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अच्छा ये स्मॉल p होएगा, ठीक है ना, स्मॉल p। और अब आप देखिए ध्यान से, हमारे को जो पता करना है वो किस पे पता करना है। देखिए अगर ये प्लेन हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन होगा, अगर ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है तो यहाँ पे टाओ मैक्स का, टाओ का वैल्यू क्या होगा जीरो, टाओ मैक्स का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। अब हमको समझना है कि इस वाले प्लेन पे क्या स्ट्रेसेस लग रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो आपको पता है दो स्ट्रेस होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है स्ट्रेंड्स, जो इस प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस इसके क्या होगा हमारे पास पैरेलल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इट इज़ ड्यू टू शियर फोर्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास इस तरीके का स्ट्रेस लग रहा है और एक जस्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्रेस लग रहा है। दिस वन इज द सिग्मा, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं पी एन बोल सकते हैं, ठीक है ना, पी एन। पी एन मतलब क्या हो गया नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, एंड दिस वन इज द पी टी, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं टाओ, टाओ इज द शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दिस प्लेन, ओके। अब स्ट्रेंस हमने क्या करने हैं, इसके कंपोनेंट्स लेकर के क्या करना हमने, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। आप देखिए अगर ये इस तरीके से है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से डेरिवेशन है। एक लाइन हम लोग इस तरीके से पास करा रहे हैं, दिस फोर्स इज पैरेलल टू दिस फोर्स, ओके। अगर ये हमारे पास पी एन है तो दिस फोर्स इज आल्सो
पी एन, ठीक है, पी एन हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके कंपोनेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसका कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ तो पहले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दिस एंगल इज, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, मेन पॉइंट तो ये है। तो एंगल ये जो स्टूडेंट जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, थीटा डिग्री का एंगल है। कितने का, थीटा का। अगर ये थीटा इसके साथ बना रहा है तो दिस वन इज द पी कॉस थीटा, ओके। और एक हमारे पास क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, दिस वन इज द पी, क्या हो जाएगा हमारे पास, पी साइन थीटा, ओके स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा हमारे पास पी कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास पी साइन थीटा। आप खुद से सोचिए, अगर स्ट्रेस को हमने क्या लगाना है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करना है एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू क्या करना है, हमने जीरो करना है। अब सिग्मा एफ एक्स मतलब किसके रिस्पेक्ट में हो गया, ये हमारे पास हो गया, जैसे पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास इस तरीके का था, ये क्या था एक्स, ये क्या था हमारे पास वाई, बट अब हमारे पास क्या है, ये वाला हो गया एक्स एंड इसके जो परपेंडिकुलर है दिस वन इज द वाई, मतलब इस एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेज होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और जो इस एक्सिस के इक्वल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो, सिंपल सा। तो अब आप खुद से सोचने की कोशिश करिए, अगर हमको स्ट्रेस को किस में कन्वर्ट करना है, फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया जब करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, हमको अगर पता करना है, जैसे ये वैल्यू कितना हमारे पास, ये वैल्यू कितना हमारे पास स्टूडेंट, दिस वैल्यू इज द ए, ओके, दिस वैल्यू इज द ए, ऑलरेडी हमने इसमें देखा, और इसका जो थिकनेस है वो हमारे पास कितना है टी। तो हम लोग कहेंगे, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, हम लोग सिंपल सा बता देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाई टी, ओके। इसमें भी आप क्या कर दीजिए, ए मल्टीप्लाई टी कर दीजिए, और यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए इसके साथ, ये हो जाएगा हमारे पास पी कॉस थीटा ए इंटू टी, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला क्या हो जाएगा पी एन, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं पी एन डी ई इंटू कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ टी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी टी डी ई इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास टी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर व्हाट इज़ द डी एंड व्हाट इज़ द ई, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं डी और स्ट्रेंथ, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। तो जैसे आप समझ लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, उसमें फेलियर प्लेन क्या हो गया डी ई, तो हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे ए, दिस वन इज द बी, दिस वन इज द सी एंड दिस वन इज द डी, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करिए, तो करने में क्या दिक्कत है हमारे पास, अगर आप सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, मतलब एक्स कौन सा, ये वाला, तो देखिए ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ, इस तरीके से पी एन ब्रैकेट में डी ई इंटू टी। अब देखिए ये अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो उसके एक के लिए नेगेटिव, एक के लिए क्या जाएगा पॉजिटिव, इसके लिए अगर नेगेटिव लेते हैं तो दूसरे वाले के लिए क्या जाएगा पॉजिटिव ना, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू में लेकर जाएंगे, तो कितना बन जाएगा पी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यस और नो, पी मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई कितना जाएगा ए मल्टीप्लाई टी। अब स्टूडेंट्स आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी ई, तो डी का वैल्यू कैसे पता करेंगे बताओ, डी का वैल्यू सिंपली हमारे पास हो जाएगा डी ई, अगर हमारे पास देखिए ध्यान से इस तरीके का, अगर ये हमारे पास क्या है थीटा है, दिस वन इज द ए, ओके, एंड ये हमारे पास है दिस वन इज द 90 डिग्री, ओके। अगर आपको ये वाला पता करना है, मतलब आपको क्या पता है स्ट्रेंथ, बेस पता है और हाइपरटेन्यूज के बारे में पता करना है, तो बेस और हाइपरटेन्यूज में कौन रिलेशन देता है, दिस पॉइंट इज द डी, दिस पॉइंट इज द ई, तो आप क्या कहेंगे कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपरटेन्यूज, यस और नो, तो व्हाट इज द डी ई, डी ई इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख ले रहे हैं पी एन व्हाट इज द डी ई, ए कॉस थीटा इंटू टी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई कॉस थीटा ए इंटू टी। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, व्हाट इज द पी एन, पी एन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास पी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है।
क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल स्ट्रेस। अगर यही अगर आप क्या करते हैं, दूसरा आप एक डेरिवेशन और ले लीजिए, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू आप जीरो कीजिए, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करने का मतलब यहाँ पे किसके साथ में हो रहा है, मैं यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दे रहा हूँ लाइक दिस, इस तरीके से हमने करना है। तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ, पी टी मल्टीप्लाई डी ई मल्टीप्लाई टी, अगर ये पॉजिटिव में है तो दूसरा वाला किस में, नेगेटिव में, वो हमारे पास क्या है पी इंटू क्या हमारे पास साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या स्ट्रेंथ ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास टी। यस नो, डी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, व्हाट इज द डी इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो बोलिए पी टी, पी टी इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, पी टी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए बाय कॉस थीटा इंटू हमारे पास क्या आ गया टी इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास ए मल्टीप्लाई टी, ए कैंसिल हो जाएगा टी से, टी कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज द पी टी, पी टी इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेंथ, देखिए पी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द सियर स्ट्रेस, यस और नो, दिस इज द सियर स्ट्रेस। अब आपको ट्रिगोमेट्री एक आइडेंटिटी पता है, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, अगर मैं क्या करूँ टू बाई टू कर देता हूँ तो मैं इसको क्या लिख पाऊँगा, वन बाय टू पी साइन टू थीटा, ओके पी टी। अब आप खुद सोचो कि ये वैल्यू हमको क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सियर स्ट्रेस चाहिए, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस का मैक्स वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कहेंगे स्ट्रेंथ, मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या आएगा बताओ, मैक्स वैल्यू आएगा जब साइन टू थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, साइन टू थीटा के मैक्स वैल्यू पे, क्योंकि देखिए पी तो कॉन्स्टेंट हो गया, अब मैं किस चीज़ को चेंज करूँ कि इसकी वैल्यू मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम मिले, तो मैं कहूँगा साइन टू थीटा क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, और ये मैक्स कब होगा हमारे पास बताओ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो, तो व्हाट इज़ द थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज़ द 45 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग इस तरीके से स्टूडेंट समझ सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो ये आपके देखिए इससे क्या बेनिफिट होता है, कराने को मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन से क्वेश्चन फॉर्मुलेट करा देता, बट जब आपको लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आपको लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा तो तब आपको इससे क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यस और नो। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, ठीक है, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस साइन, तो जो हो जाएगा पी टी मैक्स इट इज़ इक्वलेंट वन बाय टू पी, जो स्ट्रेस लग रहा है उसके हाफ के इक्वलेंट हो जाएगा इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सीयर स्ट्रेस। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्स कब होगा या किस एंगल पे मैक्स होगा, तो आप कहेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का मैक्स वैल्यू किस पे होता है, थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा या कैसा होता है स्टूडेंट्स, मैक्स वैल्यू को शो करता है, तो व्हाट इज़ द मैक्स वैल्यू, पी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी के इक्वलेंट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, बोलो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें आपको शायद डाउट रहेगा, ठीक है, तो मेरी कोशिश थी पूरा समझाने की स्टूडेंट्स आपको, कि आप चीज़ों को समझें, ठीक है ना, फॉर्मूला बताना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला तो हम लोग इजीली बता ही देंगे बच्चों आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बस सोचो क्वेश्चन कितने सॉल्व कर रहे हैं, ये सोचो क्या मैंने आज कुछ नया सीखा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये नई नई पॉइंट है ना, यही आपका एक दिन आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में जूनियर इंजीनियर, और जब आप बीटेक कर लेंगे या जिन्होंने बीटेक कर लिया है उनको असिस्टेंट इंजीनियर बनाएगा, यही कंसेप्ट है, घूम फिर करके वापस लोग किस पे जाते हैं, किताबों पे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनको करने की हैबिट डालिए अभी से, ठीक है, तो जो भी आपको डाउट रहेगा हम लोग आपको बताएंगे, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको सारे डाउट क्लियर कर पाए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 90% स्टूडेंट्स को इसमें क्या है प्रॉब्लम है, 90 भी नहीं कहूँगा मैं इसमें कहूँगा 95%, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं,
स्टूडेंट्स ये आएगा पी डबल आर ओ एफ प्रूफ, ठीक है। 95% स्टूडेंट्स और 5% टीचर्स को इसमें बड़ा डाउट रहता है कि व्हाट इज़ द रेजिलियंस, व्हाट इज़ द प्रूफ रेजिलियंस, व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और मैं यहाँ पे दो टर्म और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द टफनेस एंड व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये 5 ऐसे टर्म्स हैं जो आपको कंटिन्यूसली आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स हैं हमारे पास, 5 टर्म्स हैं। क्या क्या टर्म्स हैं हमारे पास, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो इन सारे पॉइंटों को आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेजिलियंस। रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस में हमको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा पहले, देन हम लोग चीज़ों को सही से कर पाएंगे। स्ट्रेंस, आपने सुना होगा स्ट्रेन एनर्जी, यस और नो। जब आप क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में, एक स्ट्रेन एनर्जी मतलब एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, तो काम कर रहे हैं ना, मुंह चला रहे हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा भी एनर्जी क्या हो रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, तो ये एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में क्या हो रही होगी, स्टोर हो रही होगी। मुझे खुशी मिलेगी जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा जब आप इससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने पक्का पढ़ा है, तभी मेरे से डाउट पूछ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इजहार करूँगा अपनी खुशी का, वही मेरे लिए एनर्जी है। सेम एज वेल एज हर तरीके से काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो रेजिलेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, देखते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट आज अगर क्लियर हो गए ना, 5 पॉइंट स्टूडेंट्स, तो आप समझना आपके पता नहीं आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट है हमारे पास रेजिलियंस, ओके रेजिलियंस, व्हाट इज दिस, रेजिलियंस इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब और समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन और अंडर द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन और अंडर द इलास्टिक लिमिट, इसे हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रेंथ, इसे हम लोग कहेंगे रेजिलियंस। समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे देखें ध्यान से, क्या बना रहे हैं हम लोग, एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं। तो आप सभी को पता है स्ट्रेन कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, एंड स्ट्रेस कहाँ पे आएगा स्ट्रेंस, वाई एक्सिस पे आएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन में डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम बना रहे हैं। अब आपको पता है कि दिस पॉइंट हम लोग इसका बना रहे हैं, ये माइल्ड स्टील का डायग्राम किसी का बना रहे हैं, मतलब ये हमारे पास हो गया इलास्टिक लिमिट एट दिस पॉइंट। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, विद इन और अंडर द इलास्टिक लिमिट, जैसे ये तो हो गया अप टू इलास्टिक लिमिट, विद इन इसके अंदर, ठीक है। हम लोग जैसे सपोज ले रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो इसमें जो ये एरिया है, इस एरिया को अगर हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको क्या मिलेगा स्ट्रेंथ, रेजिलियंस मिलेगा। क्या मिलेगा, रेजिलियंस मिलेगा। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिलियंस इक्वल टू, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्टोर जो क्या है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू रेजिलियंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया किसका, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, स्ट्रेंस वॉल्यूम, ये हमारे पास है। इस फॉर्मूले को आपने क्या रखना है, याद रखना है, एरिया
ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन विद इन और अंडर द इलास्टिक लिमिट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा स्ट्रेस वॉल्यूम के इक्वल होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है, सपोज दिस इज द सिग्मा, और यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो हो गया हमारे पास एप्साइलन, तो व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई सिग्मा मल्टीप्लाई एप्साइलन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेस वॉल्यूम, सिंपल सा इस तरीके का हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। ओके स्ट्रेंड्स, ये हम लोग देख रहे हैं 1/2 सिग्मा मल्टीप्लाई एप्साइलन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यस और नो। तो इसे हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सारे पॉइंट पता होने चाहिए आपको, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया करिए क्योंकि पहला एमसीक्यूज यही था। तो एप्साइलन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई सिग्मा मल्टीप्लाई एप्साइलन को सिग्मा अपॉन ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। ओके तो नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। जो ये स्ट्रेन एनर्जी है इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिलियंस बोलेंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज़ द रेजिलियंस, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद इन और अंडर द इलास्टिक लिमिट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रेंस, रेजिलियंस बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द प्रूफ रेजिलियंस। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया ना, एनी डाउट आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं स्ट्रेंस बेफिक्र होकर के, ठीक है। आप अपने डाउट को आराम से पूछिए, कोई भी डाउट है आपके पास, डाउट होना चाहिए, और डाउट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाते कि आपके सारे डाउट एक बार में क्लियर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो डाउट आपके बन ही जाएंगे, तो इसलिए कोशिश करिए पूछने का। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंथ प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। अब ये हमारे पास क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपर वे में, एकदम ध्यान से समझते जाइए स्ट्रेंथ। और जिस भी स्ट्रेंथ को टॉस पढ़ना है ना, टॉस पढ़ना है वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल आएगा, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में टॉस पढ़ेंगे तो ये सारे कंसेप्ट वहाँ पे यूजफुल कंसेप्ट है, ठीक है। इनसे हमने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे समझना है। अगर आपको अच्छे से टॉस पढ़ना है कि सर मेरे को साथ साथ में मेरे कंपटीशन की भी तैयारी होती रहे, डिप्लोमा भी चलता रहे और कंपटीशन की तैयारी भी हो जाए, मतलब जब लोग सोचे तब तक मैं तैयार हो जाऊँ, मैं फॉर्म की वेट करूं और वो लोग इसी चीज़ में रह जाएं कि मेरे को कौन से कोचिंग में जाना है, कहाँ पे पढ़ना है, कौन सा सही है, तू बता फलना तू बता, ये सब में रह जाए तब तक मेरा तैयार हो जाए। तो स्ट्रेंथ हम लोग साथ साथ में करते चलेंगे। कंपटीशन में सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पे आपको किसी चीज़ को लिखना होता है प्रॉपर वे में, और जो SBT है इससे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होने के पीछे एक ये भी रीज़न है, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्टिव आपके 20 क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव, और जो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए बेवस करते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी स्टेट के JEE का, आपको पता है आप एप्लीकेबल हैं, चाहे आप झारखंड का जाएँ, चाहे आप मध्य प्रदेश का जाएँ, चाहे UP का जाएँ, उत्तराखंड का जाएँ, हरियाणा का जाएँ, जहाँ पे हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी किया हुआ है, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है ना, वहाँ पे आप जा सकते हैं पेपर देने के लिए। इवन गुजरात भी आप जा सकते हैं पेपर देने के लिए, ठीक है ना। RRB हो गया, JEE हो गया, दुनिया भर का पेपर है, और HPCL हो गया, और जितने बहुत सारे PSU, तो वहाँ पे आपको क्या होंगे, यही सब क्वेश्चन आएंगे, यही सब आता है, इससे अलग कुछ नहीं है। बस आज हमने इनको अच्छे से पढ़ना ध्यान लगा करके। तो यहाँ पे क्या है स्ट्रेंथ हमारे पास, प्रूफ रेजिडेंस। अब ये भी क्या है, ये भी स्ट्रेन एनर्जी ही है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है स्ट्रेंस, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मैक्स स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस, वहां पे था विद इन और अंडर द इलास्टिक लिमिट, यहां पे है अप टू इलास्टिक लिमिट। तो मैक्स स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड, ओके यहां पे हम लोग लिख रहे हैं अच्छे से पेन से लिखते हैं एकदम, कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्स स्ट्रेन एनर्जी
which can be stored ठीक है which can be stored up to elastic limit. यहाँ पे जो आपको मार्क करना है स्टूडेंट्स वो पॉइंट कौन सा हमारे पास अप टू इलास्टिक लिमिट और पहले वाले में क्या था स्टूडेंट्स विद इन और अंडर ठीक है विद इन और अंडर जब आप लिखने जाएं एग्जाम में तो वहां पे आपने इन पॉइंटों को क्या करना है मार्क करना है जिससे टीचर का माइंड क्या हो जाए फोकस हो जाए अच्छा ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट तो इन सारे पॉइंटों को हमने क्या करना है मार्क करना है ठीक है इनको आप दूसरे डिफरेंट कलर से मार्क करिए तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का सेम तो आपको पता है ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्ट्रेस एंड दिस वन इज द स्ट्रेन ओके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए ये हो गया हमारे पास इस तरीके का ये हमारे पास हो गया एंड दिस पॉइंट इज सपोज दिस पॉइंट इज द इलास्टिक लिमिट तो इस पॉइंट तक अप टू दिस पॉइंट ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा स्ट्रेस का वैल्यू आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा स्ट्रेन का वैल्यू आएगा जो ये एरिया है दिस एरिया ओके स्टूडेंट्स दिस एरिया तो मैं इसको थोड़ा सा ना सही कर देता हूँ नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगा आप कहेंगे सर ये क्या है ठीक है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दे दे रहे हैं हम लोग ठीक है यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा क्योंकि स्ट्रेस तो हम लोग यहाँ से लेंगे ना ये हो गया स्ट्रेस ठीक है और ये हो गया हमारे पास स्ट्रेन तो अब आप इसका क्या कर सकते हैं एरिया फाइंड कर सकते हैं अब इसमें देखिए जब एरिया है तो मैं यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ ई यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ एप्सिलॉन ई ठीक है एप्सिलॉन ई ये ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू इलास्टिक लिमिट को कर रहा है तो व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी जो यहाँ पे आएगा सिंपल सा सेम वन बाय टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ये क्या है ई ई मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट इंटू क्या आ जाएगा ई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ वॉल्यूम इसे हम लोग क्या कहेंगे What is this? This is the proof resilience. क्या है हमारे पास स्ट्रेस ये This is the proof resilience. Area of stress strain curve up to elastic limit multiply by volume. उसे हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रेंस उसे हम लोग कह देंगे proof resilience. Next point क्या है हमारे पास स्ट्रेंस Third हम लोगों ने क्या पढ़ा था Third है हमारे पास modulus of resilience. तो पहला हमारे पास क्या हो गया स्ट्रेंथ रेजिलियंस सेकंड हो गया प्रूफ रेजिलियंस थर्ड वन इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये तो बहुत सिंपल है वेरी सिंपल ठीक है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ठीक है ध्यान से देखिए तो इसमें तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स ये होता है इट इज़ द रेशियो ठीक है ना ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास सिंपल सा होता है रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलेंस बाय वॉल्यूम ठीक है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं प्रूफ रेजिलियंस बाय वॉल्यूम ठीक है इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस तो सिंपल सा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं आपको सिंपल सा बता सकते हैं कि जब भी हमारे पास और वॉल्यूम में भी कौन सा वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम ओके यूनिट वॉल्यूम प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और ये हमारे पास क्या है हमारे पास क्या होता है जो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ठीक है इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है ये हमारे पास अब हम लोग स्टूडेंट्स इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे समझ गए तो हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है यही तीन टर्म्स हमसे पूछे गए थे रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट्स बोलिए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अब आप खुद सोचिए
मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम व्हाट इज दिस, दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यही हमारे पास ऑप्शन क्यों करेक्ट है। तो अब आपको क्लियर हो गया, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यही ऑप्शन क्यों है, रेजिलियंस क्यों नहीं है, प्रूफ रेजिलियंस क्यों नहीं है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ही क्यों है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ऑप्शन में क्या लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता जैसे मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, तो फिर क्या ऑप्शन आता। तो हम लोग एक बार दो टर्म्स और रह गए हमारे पास, उनको और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या रह गया हमारे पास, दो टर्म्स हैं उनको भी आप समझ लीजिए कौन कौन सा है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट वन इज द टफनेस, टफनेस क्या होगा स्टूडेंट्स, टफनेस का मतलब समझिए, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोला मैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर फ्रैक्चर पॉइंट। पहले हम लोग किस पॉइंट तक पढ़ रहे थे, विद इन और अंडर इलास्टिक लिमिट, पहले वाले में जिसको हमने क्या बोला था, रेजिलियंस बोला था, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन और अंडर, उसे हमने क्या बोला था, बोलिए क्या बोला था उसे हमने, उसे हमने बोला था रेजिलियंस। फिर हम लोग बोल रहे थे मैक्स स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, उसको हमने क्या बोला था स्टूडेंट्स, प्रूफ रेजिलियंस। अब बात हो रही है यहाँ पे टफनेस का, व्हाट इज द टफनेस, टफनेस मतलब है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो मार्क करना है वो कौन सा, हमारे पास स्ट्रेंथ फ्रैक्चर पॉइंट को क्या करना है, मार्क करना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट को। ये सभी को पता है कि यहाँ पे क्या आएगा स्ट्रेस, और इस पॉइंट पे क्या आएगा स्ट्रेन। अब हम लोग एक यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, इस तरीके का हमारे पास एक कर्व बनता है, दिस कर्व इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द माइल्ड स्टील। अब इसमें स्ट्रेन जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया फ्रैक्चर पॉइंट, तो इसका जो एरिया है, इस एरिया का जो एरिया मल्टीप्लाई कैसे कर दीजिए वॉल्यूम से, यही हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, टफनेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा टफनेस। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शॉक एनर्जी द मटेरियल कैन अब्सॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर, मतलब क्या है, अप टू फ्रैक्चर का मतलब हो गया फ्रैक्चर तक लेना है, परंतु जो एनर्जी वो क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, वो फ्रैक्चर पॉइंट से पहले जितना भी एनर्जी को उसने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा इसको सिंपल सा, टफनेस इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो दिस इज नोन एज द टफनेस। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ टफनेस, नेक्स्ट क्या हमारे पास, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ टफनेस, आपको एकदम अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए,
मॉडुलस ऑफ टफनेस में सिंपल सा क्या कर दीजिए, मॉडुलस ऑफ टफनेस ये हो जाएगा हमारे पास टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इट इज ए टाइप ऑफ, ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ, ओके, इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। वाई स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, टफनेस क्या है, टफनेस इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। सिर्फ हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर स्ट्रेन एनर्जी को अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक स्टोर करते हैं तो उसको टफनेस बोल देते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी बाय यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज द जो भी, जैसे मास डेंसिटी, मास डेंसिटी इज द मास पर वॉल्यूम, ठीक है, जैसे वेट डेंसिटी वेट पर वॉल्यूम, इज सेम एज वेल स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होगा। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट जब आप पढ़ेंगे, जो स्पेशली फॉर बिहार झारखंड एंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, उसमें ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर वे में क्लासेस चाहिए कि टॉपिक बाय टॉपिक बाय टॉपिक एज पर सिलेबस ऑफ द SBT या फिर जिस भी स्टेज से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश थी कि आज मैं आपको कुछ अच्छे पॉइंट बताने की कोशिश थी, मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट, देखें मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि जैसे ये हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस इलोंगनेशन है, रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस इलोंगनेशन प्रोड्यूस इन ए बार सब्जेक्टेड टू सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है स्ट्रेन एनर्जी। अब देखिए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में को मेरे को एक्सप्लेन करना है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसमें टाइम लेंगे, बट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, स्ट्रेन एनर्जी इन ए स्पेसिमेन ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, ओके, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, यस और नो, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/2 इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इट इज डोनेटेड बाई सिग्मा मल्टीप्लाई स्ट्रेन। अब यहाँ पे कौन से स्ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हो रही है। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे स्ट्रेंट्स, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब आपने पढ़ा, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था K इज द बल्क मॉडुलस, इट इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, क्या था हमारे पास स्ट्रेंस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय के, तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, सिग्मा बाय के मल्टीप्लाई क्या जाएगा, वॉल्यूम, तो इट इज इक्वलेंट क्या जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय के इंटू वॉल्यूम। कोई ऑप्शन है देख लीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे को दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स आप जुड़िए हमारे से, ठीक है, बाय व्हाट्सएप बाय ऐप, जैसे भी आप जुड़ सकते हैं आप उस तरीके से जुड़िए। आज आपको हेल्प हुआ होगा यहाँ पे, डेफिनेटली समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।